देखिए, आप सभी की जानकारी में है कि एटीएम में एटीएम बदल करके, एटीएम कार्ड बदल करके वारदात करने की बातें अपने सामने लगातार आती रही हैं, जिसमें कि जो व्यक्ति एटीएम से पैसा निकालने का प्रयास कर रहा होता है, अगर वो बुज़ुर्ग होता है या फिर उसको आइडिया नहीं होता है कैसे पैसे निकालने हैं, तो उसके आसपास कोई व्यक्ति खड़ा होकर के उसकी मदद करने के नाम पर चुपचाप उसका एटीएम कार्ड बदल लेता है। इस तरह की कुछ वारदातें पिछले कुछ समय में हमारे यहाँ पर भी हुई हैं, जिसमें कि हमारा एक कांस्टेबल है, सुरेश नाम है, उसके द्वारा इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कोई ऐसी गैंग है जो सक्रिय है अपने इलाके में, और उसने अभय कमांड सेंटर के कुछ कैमरास की मदद ली और फिर डिटेल निकाल करके इस पूरा वर्क किया। उसके बाद थाने की टीम ने मिल करके, सीओ नॉर्थ ने मिल करके, इन सभी ने इसको पूरा इस्टेब्लिश किया, और हमारे पास में बहुत सही समय पर एक गैंग हमें पकड़ में आ गई, जिसमें कि 5 लोग हैं जिन्होंने कि हमारे यहाँ के 2 वारदातें अभी तक स्वीकार कर ली हैं, और अन्य जगहों पर लगभग 2 दर्जन से अधिक वारदातें उन्होंने स्वीकार की हैं, जिसमें कि उनके पास में 2 दर्जन एटीएम कार्ड जो उनके नहीं हैं, उन्होंने किसी और से धोखाधड़ी के माध्यम से ठगी करके हासिल किए हैं, और उनसे बहुत सारी शॉपिंग और बहुत सारे पैसे निकालने की बातें हमारे जानकारी में आ चुकी हैं। ये 5 लोग जिनको कि हमारे हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, ये अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। उनमें से एक व्यक्ति अजय कुमार है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, दूसरा अब्दुल्ला है जो मुंबई का रहने वाला है, सचिन गंगाधर है ये भी मुंबई का रहने वाला है, मोहम्मद उमर और रियाजुल, ये 2 व्यक्ति हैं जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ये अलग अलग राज्यों में जाकर के रेलवे स्टेशन के आसपास जहाँ पर एटीएम होते हैं, जहाँ अक्सर लोग आते हैं निकालने के लिए पैसे, वहाँ पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं, और जब भी उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति लगता है जो कि एटीएम को बहुत अच्छे से यूज़ करना नहीं जानता, तब ये एटीएम उसकी हेल्प करने के बहाने चुपचाप उसका कार्ड बदल लेते हैं, और बाद में उस एटीएम के माध्यम से या तो पैसे निकाल लेते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। इसी के द्वारा इन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में वारदातें की हुई हैं। इस टीम को पकड़ने में, इस गैंग को पकड़ने में जो हमारी टीम है, उसमें सीओ नॉर्थ खुद और किशनगंज थाना अधिकारी, उनकी टीम, सिविल लाइंस, और मुख्य भूमिका सुरेश की, जिसका कि मैंने आपको पहले ही नाम बता दिया, उस कांस्टेबल की इसमें मुख्य भूमिका रही। देखिए, वो पूरा हिसाब किताब लगाया जा रहा है, इन्होंने हज़ारों रुपए निकालना और हज़ारों की ही शॉपिंग करना स्वीकार किया है। बाकी सारा डिटेल अब उनसे इंटरोगेशन के बाद में हम पूरा डिटेल बनाएंगे, क्योंकि 2 दर्जन एटीएम कार्ड इनके पास में मिले हैं जिनका कि इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि लाखों रुपए इनके द्वारा अब तक इसमें निकाले गए। देखिए, इनकी गैंग में और भी लोग होने की संभावना है, पर अभी फिलहाल ये गैंग जो यहाँ पर ठहरी हुई थी अपने एटीएम, अपने रेलवे स्टेशन के आसपास के एटीएम्स में अटैम्प्ट कर रही थी, इनको पकड़ा गया है। अब इनसे पूछताछ में संभावना है कि इनकी गैंग के और सदस्यों के बारे में पता चले। हाँ, देखिए, अजमेर में ही नहीं, ये लोग हर जगह पर 2-3-4 दिनों के लिए जाते हैं, ये कहीं पर भी लंबे समय तक नहीं रहते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर 2-3 दिन वारदातें करते हैं, और उसके बाद में अपना ठिकाना बदल लेते हैं, किसी अन्य शहर की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर ये पिछले 2-3 दिनों से रुके हुए हैं, और बहुत संभावना है कि इन 2-3-4 दिनों में इन्होंने यहाँ पर कुछ और वारदातें की हों, जो शायद हमारे पास या तो रिपोर्ट नहीं, क्योंकि 2 वारदातें हमारे पास रिपोर्ट हमें मिली हैं, अन्य वारदातों के लिए हम लगातार पता कर रहे हैं, और लोग भी हमारे पास आके बता सकते हैं अगर रिसेंटली कोई ऐसी वारदात हुई है, तो हम उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे।